हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमए हिस्ट्री का। ये आप लोगों का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था अभी, तो ये 2021 का आप लोगों का ये एंट्रेंस एग्जाम जो अभी आप लोगों का अक्टूबर को हुआ था, 1 अक्टूबर को, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप लोगों के इस साल ये एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये सब कुछ हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इस साल आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ और आप देखो कि किस तरीके से आप लोगों से इस बार क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जो भी स्टूडेंट अब 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमए हिस्ट्री के लिए, तो आपको किस तरीके से अपनी तैयारियां करनी चाहिए। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे और भी वीडियोज मेरे चैनल पर जब भी आए तो आपको पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप सबको मिलती रहे। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन पूछा गया है इनाम लैंड रेफर्स टू विच ऑफ दी फॉलोइंग। इनाम भूमि इनमें से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन से किसानों को भूमि अनुदान में देना उससे संबंधित। आपको यहाँ मेन आपसे क्या पूछा गया है, इनाम लैंड क्या बोलोगे, किसको बोला जाता है, ठीक है। जो चीज, जो लैंड किस पीजेंट्स को दी जाती है उसको बोला जाता है, या फिर जो नोबल्स यानी कि जो कुलीन होते हैं उनको लैंड ग्रांट दिया जाता है उसको बोला जाता है, या फिर जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन यानी कि धार्मिक संस्थाओं को जो भूमि अनुदान में देते हैं उसको इनाम लैंड बोलते हैं, या फिर जो सैनिकों को भूमि में अनुदान दी जाती है, जो सैनिकों को लैंड ग्रांट दी जाती है उसको बोला जाता है। तो याद रखना, इनाम लैंड जो है वो किसको बोला जाता है, लैंड ग्रांट टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, यानी कि इनाम लैंड उसको बोला जाता है जो कि किसको, धार्मिक संस्थाओं की भूमि को अनुदान में दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क प्रीमियरली डील्स विथ कुतुबुद्दीन ऐबक। इनमें से कौन सा साहित्यिक स्रोत मुख्य रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर खैरुद्दीन उल फुतह, ताइक ए सित हिंद, या फिर ताजुल माजीर, या फिर तुर्कन ए चलगिनी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक के लिटरेरी वर्क से जो डील करता है, जो उसके साहित्यिक स्रोत से संबंधित है, वो क्या है आप लोगों का, ताजुल मासिर। तो यहाँ पे आप सबका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपको उसको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल में लगाना है, और यहाँ पर आपको भक्ति मूवमेंट दे रखे हैं, ठीक है, नामदेव, वल्लभ आचार्य, रामानंद और कबीर। तो आपको इसको सीक्वेंस में लगाना है कि कौन कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था, और यहाँ पर आपके पास यहाँ ऑप्शंस भी दे रखे हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग देख सकते हो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अगर आप लोग देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर कौन आता है, रामानंद। अगर भक्ति सूफी मूवमेंट अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे भक्ति के आंदोलन में जो सुधारक है इसके सही क्रम में देखोगे तो सबसे पहले रामानंद आए थे, उसके बाद कौन आए थे, कबीर आए थे, ठीक है, उसके बाद कौन आए थे, कबीर आए थे, देन फिर नामदेव आए थे, और लास्ट में आपके वल्लभ आचार्य आए थे। तो इसीलिए आपका सीक्वेंस क्या बनता है, 3 4 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, आप लोगों ने देखा कि मतलब इस साल जो आपसे इस टाइम जो क्वेश्चन पूछे गए मेडिएवल हिस्ट्री से, आप देख रहे हो मेडिएवल हिस्ट्री भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। इन द सल्तनत पीरियड द हाईएस्ट रूलर अथॉरिटी फॉर लैंड रेवेन्यू वॉज, सल्तनत काल में भू राजस्व के लिए सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। आपके ऑप्शन से पटवारी, मालिक, या फिर चौधरी, या फिर रावत। तो अगर हम सल्तनत पीरियड की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो हाई अथॉरिटी देखी जाती है लैंड रेवेन्यू लेने के लिए उसे क्या कहा जाता है, चौधरी, यानी कि आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हेन डिड भक्तियार खिलजी इन्वेड बंगाल। तो भक्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण कब किया था, ठीक है, यहाँ पर आपको ईयर भी दे रखे हैं, तो आपको बताना है भक्तियार खिलजी ने बंगाल पर हमला कब किया था। तो वो किया था 1201 ईस्वी में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके विजयनगर से पूछा गया है,
विच रूलर ऑफ विजयनगर हैड सेंट हिज एम्बेसी टू द एम्परर ऑफ चाइना। विजयनगर वंश के किस शासक ने अपना राजपूत चीन के सम्राट के पास भेजा था? आपके ऑप्शन है सोलवा नारमिंझा, नरसिम्हा, या फिर कृष्णदेव राय, या फिर बुक्का प्रथम, या फिर हरिहर फर्स्ट। तो अगर हम विजयनगर की उस रूलर की बात करें जिसको कहाँ पर भेजा गया था, जिसको राजपूत चीन के सम्राट पे पास भेजा गया था, तो वो थे आपके बुक्का फर्स्ट। ठीक है, बुक्का फर्स्ट और हरिहारा फर्स्ट ये विजयनगर के फाउंडर और संस्थापक भी, तो याद रखना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज वन ऑफ द अर्लीएस्ट टू एसेट इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम दिल्ली सल्तनत। इनमें से कौन सा राज्य दिल्ली सल्तनत ने अपनी स्वतंत्रता का दावा देने के लिए प्रथम राज्य था? आपके ऑप्शन है जौनपुर, गुजरात, बंगाल, या फिर मालवा। तो वो कौन सा देश था? जौनपुर था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर एट की तरफ। क्वेश्चन नंबर एट है आप लोगों का, ड्यूरिंग द रिजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग हुसैन शाही डायनेस्टी डिड सिकंदर लोधी अटैक बंगाल। तो हुसैन शाही वंश के किस राजा के शासनकाल में सिकंदर लोधी ने बंगाल पर आक्रमण किया था? आपके ऑप्शन है नसरुद्दीन नुसरत शाह, अलाउद्दीन फिरोज शाह, गियासुद्दीन महमूद शाह, या फिर अलाउद्दीन हुसैन शाह। तो याद रखना, अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय पर हुआ था। तो ये वो राजा था जिसके समय पर क्या हुआ था कि सिकंदर लोधी ने बंगाल पर उस समय आक्रमण कर दिया था। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन है व्हाट वाज द टर्म ऑफ विलायत मींस इन सूफिज्म। तो सूफीवाद में जो विलायत शब्द होता है उसका क्या अर्थ था? फॉरेन टेरिटरीज यानी कि विदेशी क्षेत्र, अर्बन टेरिटरीज यानी शहरी क्षेत्र, स्पिरिचुअल टेरिटरीज यानी कि आध्यात्मिक क्षेत्र, या फिर टेरिटरी ऑफ जमींदार जमींदारों का क्षेत्र। तो राइट आंसर आपका क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, स्पिरिचुअल टेरिटरीज यानी कि आध्यात्मिक क्षेत्र। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, विलायत का मतलब होता है स्पिरिचुअल टेरिटरी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टेन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आप लोगों ने दिल्ली सल्तनत बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ पे इन्होंने कुछ पांच यहाँ पर इन्होंने कुछ चीजें दी थी। ठीक है, तो उन पांचों को यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दे रखा और आपको इसको क्रम में लगाना है, सही क्रम में। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ दिल्ली, इंक्रीज ऑफ टैक्सेशन इन दुआब, प्रोक्लेमेशन ऑफ टोकन करेंसी और कुशानन एक्सपेंडिशन। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे आप राइट आंसर देख सकते हो। तो राइट आंसर आपका क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है, क्योंकि अगर आप देखोगे सबसे पहले उसने दुआब की जो वृद्धि हुई थी कराधन में सबसे पहले वो दिया था, देन फिर उसने राजधानी का क्या बढ़ाया था? हस्तांतर बढ़ाया था। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो फिर उसने क्या करा था? फिर उसने किया था खुरासन अभियान, और लास्ट में उसने टोकन मुद्रा का प्रचलन किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होता है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11th में आप सबसे पूछा गया था इन द रीजन ऑफ फिरोज शाह तुगलक विच ऑफ द फॉलोइंग वाज 1/6 ऑफ द बूटी कैप्चर्ड ड्यूरिंग वॉर। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कौन सा कर युद्ध के दौरान कब्जा की गई लूट 1/6 भाग होता था? तो यहाँ आपको टैक्स के नाम दे रखे हैं, खराज, खुम, जकात, या फिर जिजिया। तो राइट आंसर क्या था? खुम वो टैक्स था, तो 1/6 भाग होता था। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया था द फर्स्ट सल्तनत टू अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ कल्टीवेटेड लैंड फॉर डिटरमाइनिंग लैंड रेवेन्यू वॉज। भू राजस्व के निर्धारण के लिए कृषि योग्य भूमि की माप के सिद्धांत को अपनाने वाला पहला सुल्तान कौन था? गियासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, या फिर इल्तुतमिश। तो राइट आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 है हु यूज द टर्म हिंद एंड सिंध फॉर द टेरिटरी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य क्षेत्र के लिए हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया था? जियासुद्दीन बरानी ने, अबुल मलिक इस्लामी ने, इबन बतूता ने, या फिर रही बिन अहमद सिरिंदी ने। तो राइट आंसर क्या होगा? इबन बतूता ने ये हिंद और सिंध जो है ये वर्ड का प्रयोग किया था। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग सल्तनत
जो सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का, हैज इशूड रेगुलर करेंसी एंड डिक्लेयर दिल्ली एज अ कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर। तो दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी कही थी और रेगुलर करेंसी वहां पे इशू किया था? बलबन, आराम शाह, नसीरुद्दीन महमूद या फिर इल्तुतमिश? तो इल्तुतमिश याद रखना, इल्तुतमिश है जिसने दिल्ली को क्या किया था, राजधानी बना ली थी दिल्ली सल्तनत की। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, और इसी ने रेगुलर करेंसी यहाँ पर इशू की थी। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कर लिए और आपने देखा ये मेडिएवल हिस्ट्री से पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों का दिल्ली सल्तनत जो टॉपिक है उसको स्ट्रॉन्ग बना लो, डीपली पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग अलाउद्दीन खिलजी? आपके पास यहाँ स्टेटमेंट दे रखा, बोल रहा है कि इसमें से अलाउद्दीन खिलजी की कौन सी बात यहाँ पे गलत है जो उन्होंने नहीं दी थी। यहाँ पर आप ऑप्शन दे सकते हैं, उन्होंने एस्टेब्लिश किया था 4 सेपरेट मार्केट इन दिल्ली में, या ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दाग ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेज एंड प्रिपेयर्ड हुलिया यानी डिस्ट्रिक्टिव लिस्ट ऑफ सोल्जर, ही मेंटेन अ लार्ज परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी एंड पेड देम इन केस, या ही अपॉइंटेड अ लार्ज ऑफिसर कॉल्ड साहिब रिसायत टू ईच कंट्रोल ईच मार्केट। तो सारी बातें सही हैं, क्योंकि सारी बातें सही, सिर्फ लास्ट ऑप्शन आपका गलत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में नॉट बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में 4 अलग अलग बाजार स्थापित किए थे, ये सबको पता है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन ने दास और हुलियों की नीति लागू की थी। नेक्स्ट अगर देखो कि उन्होंने एक बड़ी स्थायी सेना भी बनाए रखी थी और उसको नगद में भुगतान भी दिया था, लेकिन लास्ट ऑप्शन यहाँ पे गलत होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है, हु एस्टैब्लिश दीवान ए मुख्त खराज? तो मुख्त खराज दीवाने की जो स्थापना है वो किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन, रजिया या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने? तो इसकी जो दीवाने मुख्त खराज है, इसकी जो इस्टैब्लिश थी, इसकी स्थापना किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखोगे, द स्टेट प्रमोटेड कैनाल इरिगेशन सिस्टम वॉज इनिशिएटेड बाय, जो राज्य द्वारा प्रोत्साहित नहर सिंचाई प्रणाली किसने शुरू की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर अलाउद्दीन तुगलक ने? तो जो ये कैनाल इरिगेशन सिस्टम है अगर देखोगे तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू की थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 भी मेडिएवल हिस्ट्री से है, बहामनी किंगडम का प्रोविंस पूछ रहा है, जो बहामनी साम्राज्यों के प्रांत को क्या कहा जाता था, तरफ, सूबा या सूबे, सूबे या लश्कर या फिर महामंडल? तो अगर आप बहामनी किंगडम के प्रोविंस देखोगे उसके प्रांतों को क्या कहा जाता था, उसको बोला जाता था तरफ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या था, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया था, द कल्चरल रेवोल्यूशन विच वॉज इनिशिएटेड बाय मॉजिजोंग वॉज डोमिनेटेड बाय अ गैंग ऑफ 4, हु वर दे? तो ये आ गया आप लोगों का वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन, माओ से तुंग द्वारा शुरू की गई संस्कृति क्रांति के 4 के गिरोह का वास्तव था, वे कौन थे? आपके ऑप्शंस यहाँ पे देख रखे हैं, तो आपका राइट आंसर आप लोग यहाँ देख सकते हो। राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा जियांग किंग, झांग चियोंगिंग और फिर कौन चौथा तीसरा कौन था, यायो वेनुयान, और लास्ट अगर आप देखोगे तो वो थे वैंग होंगवैन। तो बी आपका राइट आंसर होता है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये 4 थे गैंग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये मेनी टाइम रिपीट भी हो चुका है क्वेश्चन, जो मीजी रिस्टोरेशन से तो क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, इन जापान वॉज रिस्पॉन्स टू, तो जापान में मीजी पुनर्स्थापना का कारण क्या था? आपके ऑप्शंस है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवादी खतरा या फिर अलंगावाद या फिर ईसाई धर्म में धर्मांतर या फिर समाजवाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिस्ट थ्रेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेरेमनीज वॉज परफॉर्म बाय सुमेरी टू अवॉइड कैप्चर आफ्टर बैटल फील्ड डिफीट? इनमें से कौन सी प्रथा समुराई द्वारा युद्ध के मैदान में पराजित होने के बाद बंदी बनने के से बचने के लिए की जाती है? कौन सी प्रथा की जाती है बंदी बनने से बचने के लिए? ठीक है, आपके ऑप्शन यहाँ देख सकते हो, ऑप्शन है आप लोगों का आइजेन, त
तानबाता या फिर हारकिरी या फिर हनामी। तो अगर यहाँ पे क्या बोला गया है, तो यहाँ पे कौन सी जो यहाँ पे जो प्रथा देखोगे, समुराई द्वारा युद्ध में के मैदान में पराजित होने के बाद अगर वो युद्ध में हार जाता है, उसके बाद बंदी बनाने से बचने बनने के लिए उसको कौन सी प्रथा करनी जाती है, तो वो है हारकिरी। तो राइट आंसर यहाँ पर आप सबका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखोगे तो पूछा है द ताइपिंग रिबेलियन हैड द गोल ऑफ, तो ताइपिंग का विद्रोह हुआ था उसका क्या लक्ष्य था, तो उसका लक्ष्य था कि वो डिस्ट्रॉय कर दे द मांचूज एंड रिस्टोर टू चाइना हर पास्ट ग्रेटनेस। तो वो मंचू राजवंश का खात्मा करके चीन को प्राचीन प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहता था, ये ताइपिंग विद्रोह का गोल था, लक्ष्य था। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिसेशन, यानी कि सकाज ऑफ अर्थवेद, ठीक है, तो इनमें से कौन सी अथर्ववेद की एक शाखा है। तो आप लोगों ने वेदास पढ़े होंगे, आपको पता है हमारे चार वेद होते हैं, तो उसमें से एक अथर्ववेद की बात कर रहा है, तो आपको इसमें चुनना है कि कौन सी एक अथर्ववेद की शाखा है। आपके ऑप्शन थे शौनिक, रणशनीय या कि पेपलाद या फिर कोथुम या फिर जैमिनीय। तो राइट आंसर सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ए एंड बी जो है ये दोनों की दोनों शाखा है। तो अगर हम नीचे जाएंगे और ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो, तो ऑप्शन नंबर बी सिर्फ करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, बाकी सब ऑप्शंस गलत हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ स्मृति, इनमें से कौन सी स्मृति का भाग नहीं है, वेदांग, वेद, महाकाव्य या नीति शास्त्र। तो अगर हम स्मृति की बात करेंगे तो इसमें से जो स्मृति का भाग नहीं है वो क्या होगा, वेद, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होता है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको मैच द फॉलोइंग करना है, मैच करना है, मिलाना है। यहाँ पर थ्योरी दे रखी है और आपको साइड में ऑथर दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा किसने दिया था, ठीक है। नीचे ऑप्शंस भी आप लोगों को दे रखे हैं, तो आप लोगों को यहाँ मिलाना है और देखना है कि कौन सा किसने दिया था। अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगर हम देखेंगे, पहली जो थ्योरी दे रखी है स्टोन एज वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, पैलियोलिथिक एंड न्यूलिथिक, ये थ्योरी किसने दी थी, तो ये दी थी आपकी पी एफ सुम और क्रिश्चियन थॉमसन ने, ठीक है। अगर सेकंड पॉइंट की बात करेंगे तो ये आपका पहला हो गया डिवीजन ऑफ पैलियोथिक इंटू लोअर, मिडल एंड अपर पैलियोथिक। तो हमारा जो पूरा पाषाण काल है वो तीन हिस्सों में बटा हुआ है, निम्न, मध्य और आप लोगों का उच्च पूरा पाषाण काल में, ये बात किसने बोली थी, तो ये बोली थी जॉन लूबक ने, ठीक है। लास्ट अगर हम बात करेंगे देयर वॉज थ्री एज सिस्टम ऑफ स्टोन टूल्स फॉलोड बाय ब्रॉन्ज और आयरन टूल्स, तो पाषाण औजारों के तीन युग हमें देखने को मिलते हैं, कांस्य और लोहे के युग आते हैं जिसमें, तो ये बात बोली थी किसने, एडवर्ड लारेट ने। तो यहाँ पे आपका जो सीक्वेंस बनता है 3, 1 और 2 बनता है। तो अगर हम अपने ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को फिर से मैच करना है। सबसे पहले देखोगे विनय पीटक पूछा है, ठीक है। तो विनय पीटक की अगर बात करूं तो वो क्या है, अगर मैच करेंगे तो वह पति मोक्ष है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका अवदान, तो अवदान की बात करेंगे तो वह दिव्य अवदान। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे ललित विस्तार की, तो ललित विस्तार आप देखोगे तो वो क्या था, सर्व अस्थिवाद, यानी कि थर्ड ऊपर का। लास्ट आपका होगा खुद का निकाय, तो ये है आपका धम्मपद, ठीक है। तो राइट सीक्वेंस 3, 4, 1, 2 बनेगा। अगर हम ये ऑप्शन में देखेंगे 3, 4, 1, 2, तो ये आप देख सकते हैं आपका ये सीक्वेंस कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है 3, 4, 1, 2। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऑथर से रिलेटेड, मैंने जैसे कि आपको कहा था बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन आया, और यहाँ पे इन्होंने अलग अलग पूछने की जगह एक मैच के थ्रू पूछ लिया, और यहाँ पे चार आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो, चार ऑथर्स बुक्स एंड ऑथर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर आप देखोगे तिरुवल्लुवार, तो तिरुवल्लुवार अगर हम बात करेंगे तो वो एक क्या थी, ग्रामर यानी कि व्याकरण। दूसरा अगर हम बात करेंगे
तोल कापियम की, तो तोल कापियम में क्या है, ये तिरुकुरल है, ठीक है। तो पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। थर्ड अगर मैं बात करूंगी इतुकाई की, तो वो एक पोयम थी, ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन है। लास्ट अगर हम अकम की बात करेंगे, तो वो एंथ्रोलॉजिस्ट है, यानी कि संकलन था। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बोला था, तो आपका राइट सीक्वेंस यहाँ पे देख लो, 4312 होगा। मैंने आपको पहले भी बोला था, जब ये एंट्रेंस एग्जाम आया था, मैंने आपसे ये कहा था कि आपको हर एक बुक के बारे में पता होना चाहिए कि वो पोएट है या वो ड्रामा है, ठीक है, या फिर वो ग्रामर में लिखी गई है, उस बुक के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो इसी तरीके से वो क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो राइट आंसर आपको मैंने बता दिया 4312 होगा। तो अगर आप देखोगे आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड है, ठीक है, तो थर्ड आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केट बायोग्राफी ऑफ वैष्णव संत, तो इनमें से कौन सा वैष्णव संत की जीवनी है, बायोग्राफी आपको बतानी है वैष्णव संत की। आपके ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं चारों ऑप्शन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर अगर आप देखोगे, तो आपका राइट आंसर क्या है, अलवर वैपेयम, ठीक है, अलवर वैपेयम इसका राइट आंसर है। वो इनकी बायोग्राफी थी किसकी, वैष्णव संत की। तो राइट आंसर यहाँ पे आप सबका क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, फर्स्ट रॉक पेंटिंग इन इंडिया वर डिस्कवर्ड इन 1867-68 एट सोहादी घाट इन मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट बाय। तो अगर आप देखोगे 1867 से 1868 में मिर्जापुर जिले में सुहागी घाट में भारत के पहले छेल चित्र की खोज जो है वो किसने की थी। आपके ऑप्शन है वी एस वाकर्नर ने, यशोधर मटपाल ने, इरविन न्यूमर ने, या फिर ACL करियाल ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है, AC करियाल है जिन्होंने क्या किया था, इस रॉक पेंटिंग की पहली बार मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में खोज की थी। तो राइट आंसर यहाँ पर आप सबका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया था, द एप्लीकेशन ऑफ रेडियो कार्बन डेटिंग इन आर्कियोलॉजी बिगेन इन विच ईयर, पुरातत्व के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किस वर्ष से शुरू हुआ था, 1940 में, 1949 में, 1950 या फिर 1951 में। तो ये स्टार्ट हुआ था आपके 1949 में। इट मींस आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ न्यूलोथिक साइट इन द कश्मीर वैली नियर श्रीनगर, इनमें से कौन सा जो है आपको केंद्र है जो कश्मीरी घाटी के निकट जो श्रीनगर के पास नवपाषाण केंद्र में हमें देखने को मिलता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास पांच ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको न्यूलोथिक साइट बताना जो कश्मीरी वैली के साइट था। तो पहला अगर आप देखोगे तो जय देवी उधर, ठीक है, और दूसरा अगर आप देखोगे सोमभर, और तीसरा अगर आप देखो बुर्जोहम। तो ये आपका राइट जो है AC D, ये तीनों के तीनों आपके ऑप्शन जो है वो न्यूलोथिक साइट कश्मीरी वैली यानी कि श्रीनगर के पास थे। तो AC D राइट सीक्वेंस है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होता है, ऑप्शन नंबर AC D आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों को थ्योरी दे रखी है कि किस ऑथर ने कौन सी थ्योरी दे रखी थी। इट मीन्स चार आपके ऑथर्स वहां से पूछ लिए गए हैं, चार ऑथर यहाँ भी आए हैं। तो आठ आपने देखा भी, 8-9 क्वेश्चन अभी तक आप लोगों ने बुक्स एंड ऑथर से बेस देख लिया है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं। तो अब आपको बताना है कि इनकी कौन सी, किसने कौन सी थ्योरी दी थी। सबसे पहले बात करेंगे जॉन मार्शल की। तो जॉन मार्शल ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो वो दी थी सिमिलैरिटी बिटवीन प्री हरप्पा कल्चर एंड मैच्योर हरप्पन कल्चर। तो ये दोनों प्री हरप्पा कल्चर और मैच्योर हरप्पा कल्चर में हमें सिमिलैरिटी यहाँ पे इनके बीच में देखने को मिलती है, ये बात जॉन मार्शल की थ्योरी में है। सेकेंड ऑप्शन देखोगे EJH मैकेई, तो इन्होंने दी थी माइग्रेशन ऑफ आइडिया लेड टू हरप्पन सिविलाइजेशन। थर्ड अगर देखोगे मोर्टिमर वेलर, मोर्टिमर वेलर ने दिया था माइग्रेशन ऑफ पीपल ऑफ सुमेर लेड टू हरप्पन सिविलाइजेशन, यानी कि जो सुमेर के लोगों का जो वहाँ के आवर्जन को सिंधु सभ्यता के अभ्याय का कारण बतलाया था। लास्ट अगर देखोगे अमलानंदा घोष, उन्होंने क्या कहा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड अ लॉन्ग एंटीसेंट हिस्ट्री ऑफ द सॉइल ऑफ इंडिया, जो सिंधु सभ्यता का भारत की भूमि पर बहुत ही लंबा इतिहास रहा है। तो 3-1-4-2 आपका यहाँ पे राइट सीक्वेंस बनता है। तो इसका राइट आंसर आप नीचे से देख सकते हो, आपके ऑप्शन में 3-1-4-2 अगर आप देखोगे तो वो आपके किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर
ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड आप सबका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है बोन ऑफ राइनोसोर आर फाउंड एट विच हरप्पा साइट, तो कौन से हरप्पा के साइट पर हमें जो वहां के गेंडे थे जो राइनो थे उनकी हड्डियां मिली थी, लोथल में, ठीक है, सोर्तुगुई में, आमरी में या फिर कुंतसी में। तो वो है जगह आपकी आमरी, तो हरप्पा की आर्मी की जगह देखोगे वहां पर हमें गेंडे या फिर राइनो की हड्डियां मिली थी। तो राइट आंसर इसका क्या था, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। बीड मेकिंग फैक्ट्रीज टूल्स फ्यूनेस बीड्स इन वेरियस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन हैव बीन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट, जो मनके बनने वाली जो कार्यशाला उनके औजार जो भुट्टियां हैं और जो आधे अधूरे बने मनके आदि कहाँ पाए गए थे, बनावली, लोथल, सुरतुगाई या चूनूदारो या फिर धोलवीरा। तो ये पाए गए थे आपके लोथल और धोलवीरा में। इट मीन्स बी और डी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। तो अगर आप नीचे ऑप्शन में देखोगे तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। तो बी और डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है कॉपर लेड और जिंक वर प्रोक्योर्ड फ्रॉम हड़प्पा साइट इन, तांबा, सीसा और जस्ता कौन से हड़प्पा केंद्र में पाए जाते थे, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या फिर पंजाब। तो ये पाए जाते थे राजस्थान में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखोगे, सिंबॉलिक ब्यूरल विद ग्रेव गुड्स बट नो स्केलेटन वर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट, कौन से हड़प्पा केंद्र में सामग्री युक्त प्रतिकामक कब्र मिले हैं जिससे शव नहीं रखा गया था, धोलवीरा, मोहनजोदड़ो, हरप्पा या फिर कालीबंगा। तो राइट आंसर आपका कालीबंगा था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। तो आप लोगों को यहाँ पर इसको फिर से एक ऑर्डर में लगाना है, सही क्रम में लगाना है कि कौन पहले आया था, ताम्रपाषाण युग, उत्तरी कुष्णमार्ज संस्कृति, महापाषाण युग या काले और लाल मृद्रवान। तो अगर आप सबसे पहले देखोगे तो सबसे पहले आपका क्या था, कालकोलोथिक पीरियड यानी कि ताम्रपाषाण युग आया था। उसके बाद आप लोगों का आया था ब्लैक एंड रेड वेयर यानी कि आपके काले और लाल मृद्रवान आए थे। थर्ड आप लोगों का फिर क्या था, मेगालिथिक पीरियड आएगा। लास्ट अगर देखोगे नॉर्दर्न ब्लैक एंड पॉलिश वेयर। तो 1, 4, 3, 2 आप लोगों का यहाँ पे राइट सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। तो 1, 4, 3, 2 आपको राइट सीक्वेंस बना था। तो अगर हम ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे 1, 4, 3, 2 अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको मैच द फॉलोइंग दे रखा है और आपको इसको मैच करना है, ठीक है, और बताना है कि कौन सा किसके साथ सही मेल खा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे निरुक्त की, ठीक है, अगर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसकी, निरुक्त की, तो निरुक्त क्या था, कि ये फोनेटिक्स है, ठीक है, ये क्या एक फोनेटिक्स है। शिक्षा की अगर हम बात करेंगे तो ये है आपकी एक एथिमोलॉजी, ठीक है। लास्ट थर्ड वन बात करेंगे कल्प, तो अगर कल्प अगर हम बात करेंगे तो कल्प क्या है, वो एक ग्रामर है। और लास्ट अगर हम बात करेंगे व्याकरण की तो वो एक रिचुअल है। तो 4, 3, 1, 2 आप लोगों का यहाँ पे राइट सीक्वेंस बन रहा है। तो 4, 3, 1, 2 अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए में आपको ये दे रखा है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स टुवर्ड योगिक मेडिटेशन एज अ मीन्स ऑफ रियलाइजिंग ब्रह्म दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी प्रिवेडिंग द यूनिवर्स, कौन से उप निषेध के अनुसार यौगिक क्रियाएं ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। आपके ऑप्शन है बृहदारण्य उपनिषद या फिर श्वेत अश्वेतर उपनिषद या फिर मुंडक उपनिषद या फिर तैतरीय उपनिषद। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी श्वेत सुतातर उपनिषद है। बी ऑप्शन यहाँ पे आप सबका करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ देखोगे तो यहाँ से फिर से आपसे एक मैच द फॉलोइंग पूछा गया है और आपको इसको मिलाना है, ठीक है। सबसे पहला अगर ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन में दिया है ऐत्रेय ब्राह्मण, तो ऐत्रेय ब्राह्मण बात करेंगे तो क्या था, दस पुरुषम रैया, ठीक है, दस पुरुष राज्य था ये,
सेकेंड ऑप्शन है आप लोगों का यजुर्वेद, तो वो आपका वंश नरतिन था। ऋग्वेद की बात करूंगी तो वो क्या था, आपका पुरुष सूक्त था। और लास्ट अगर मैं बात करूंगी शतपथ ब्राह्मण, तो वो आपका विदेगा महत्व था। ठीक है, तो 3 4 1 2 आपका राइट सीक्वेंस बनता है। तो अगर हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे, ऑप्शन में देखोगे तो 3 4 1 2 आपके ऑप्शन नंबर थर्ड में दे रखा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। तो 41 स्टूडेंट में आप सबको क्वेश्चन नंबर 41 देखते हो, हम लोग टोटल 50 क्वेश्चंस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, बाकी के 50 क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगी। ओके, तो 41 में क्या क्वेश्चन बोल रहा है आपको, यहाँ पे सही ऑप्शन चूज करना है जो कि रिलेट किससे करता है, प्रोपाउंडेड बाय चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन द्वारा जो प्रतिपादित थीसिस थे उससे संबंधित आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आप सब देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी होगा, स्पीसीज हैव इवॉल्व ड्यू टू माइनर वेरिएशन इन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द स्पीसीज, दीज वेरिएशन मे बी इनहेरिटेड बाय द ऑफस्प्रिंग एंड हैज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग क्यूमुलेटिव प्रोसेस, द वेरिएशन विल एंड अप इन द एमरजेंस ऑफ न्यू स्पीसीज। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 आप लोगों को देखोगे यहाँ पे ऑथर है और फिर से आपसे बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 4 क्वेश्चन वहां 4 क्वेश्चन वहां 8 और 3 क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हो। तो मैंने जैसे कि आपको कहा था कि 15 से 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, वही हुआ, बस इस बार आपसे मैच द फॉलोइंग के थ्रू बुक्स एंड ऑथर पूछे गए हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ बुक्स एंड ऑथर को देखेंगे, सबसे पहले जो आपसे क्या सी पूछा है, चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन ने कौन सी बुक लिखी थी, तो उन्होंने लिखी थी डिसेंट ऑफ मैन। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगी चेवेलियर दे लेमार्क की, तो ये बुक उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल। नेक्स्ट जो ऑथर देखोगे जॉर्ज दे बुफन, तो जॉर्ज दे बुफन ने जो बुक लिखी थी वो लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री। एंड लास्ट वन इज वी गॉर्डन टिल्डे ने जो बुक लिखी थी वो लिखी थी व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। तो आपका बनता है 2 1 4 3, तो राइट सीक्वेंस आपका यही बनता है। ठीक है, तो राइट का करेक्ट आंसर अगर आप देखोगे ऑप्शन में कहाँ है, 2 1 4 3 अगर हम देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर था। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है, हेलोट्री वॉज अ फॉर्म ऑफ द स्लेवरी प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड इन। तो हेलोट्री प्राचीन में किस प्रचलित गुलामी का स्वरूप था, एथेंस, स्पार्टा, द सिटी ऑफ रोम या फिर गोल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था, स्पार्टा। क्वेश्चन नंबर 44 देखोगे, द चीफ प्रोपोनेंट ऑफ एथेलियन डेमोक्रेसी वॉज, तो एथेलियन लोकतंत्र का मुख्य प्रतावक कौन था, चोलन या फिर पैसिस्ट्राइक या फिर क्लिस्टिन या फिर पेरिएंडर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होता है, क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखोगे, विच अमंग द फॉलोइंग स्मृतिज वॉज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो इनमें से निम्नलिखित स्मृतियों में से किसका निर्माण गुप्ता काल में नहीं हुआ था, नारद, देवल, बृहस्पति या फिर विष्णु। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, देवल है जो गुप्ता पीरियड में इस स्मृति का यहाँ पर क्या नहीं हुआ था, इस काल में नहीं हुआ था निर्माण। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है, वी आर एबल टू डेट द गुप्ता एरा प्रोवाइडेड इन द इंस्क्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ टेस्टिमोनी अवेलेबल इन। तो अभिलेखों में जो गुप्त जो प्राप्त हुए थे गुप्ता काल की तिथि निर्धारण, वो हमें किसकी सहायता कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है भगवत पुराण के, भागवत के या फिर कमंड के नीति शास्त्र या फिर अलबरूनी के तहरीक उल हिंद या फिर वो तो है उल बुल्दान। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अलबरूनी की जो तहकीक उल हिंद लिखी थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है, पॉलिगिनी वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस अमंग नॉन रॉयल इलाइट्स इन द गुप्ता वातक पीरियड, विच कैन बी असर्टेड फ्रॉम कम सूत्र एज वेल हैज इंस्क्रिप्शन ऑफ वहरा देवा फाउंडेन। तो वो हमें कहाँ मिला था, घटोचकत केव, घटोचकत की गुफा में। तो 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, आउट ऑफ द 28 केव्स एट अजंता 5 केव्स आर एक्सेप्टेड इन द पीरियड ऑफ। तो अजंता की 28 गुफों में जो 5 का निर्माण होता है वो किसके काल में हुआ था, तो वो हुआ था सातवाहनों के समय पर।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। फिर से बुक्स एंड ऑथर से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इट मीन्स अब आप देख लो कि आपसे इस बार 15 से ज्यादा, क्योंकि तो मैंने आपको क्या कहा था 15 से 20 क्वेश्चन आपको बुक्स एंड ऑथर से देखने को मिलेगा, तो ऐसा ही हुआ। तो आप लोग देख लो एक इस बार मैच दी फॉलोइंग के थ्रू आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ अब आप देखोगे इस क्वेश्चन में आपको 5 बुक्स एंड ऑथर पूछे गए हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पूछा गया है बीडी चट्टोपाध्याय, तो बीडी चट्टोपाध्याय की बुक देखोगे तो उन्होंने लिखी थी वटाकस, ठीक है, सोर्स एंड हिस्ट्री। सेकंड अगर बात करेंगे असीम कुमार चटर्जी ने, तो असीम कुमार चटर्जी ने जो बुक लिखी थी वो लिखी थी इकोनॉमिक लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया इन द गुप्ता पीरियड। नेक्स्ट देखेंगे एस के मेहती की, तो एस के मेहती ने जो बुक लिखी थी वो ए कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म, जो जैन धर्म के इतिहास के बारे में उन्होंने लिखा था। अगर हम बात करेंगे अजय मित्र शास्त्री की, तो अजय मित्र शास्त्री ने लिखी थी द मेकिंग ऑफ अर्ली मेडिएवल इंडिया। और द लास्ट देखोगे के एम श्रीमाली, तो के एम सिगानी ने की यही लास्ट है एग्रेरियन स्ट्रक्चर इन सेंट्रल इंडिया नॉर्दर्न डेकेन अ स्टडी ऑफ वताका इंस्क्रिप्शन के बारे में, वताका सिस्टम के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। तो राइट सीक्वेंस अगर आप देखोगे 3, 1, 4, 2, 5, ठीक है। अगर आप ये ऑप्शन में देखोगे 3, 1, 4, 2, 5, तो ऑप्शन नंबर बी आप सबका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी का सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन ट्रैक्ट ऑफ द दशवत्र टेम्पल एट दियोदर, महादेव टेम्पल एट नचकुतारा, टेम्पल ऑफ भितरगांव एंड महाबोधि टेम्पल एट बौद्ध गया। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होता है, All of them have a tower of Shikara camping at Sandstorm Sela. तो ऑप्शन नंबर बी आप सबका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है, सभी के गर्भगृह के एक उच्च ऊंचे शिखर में ये क्या हुआ था, ढका हुआ था। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी होता है। तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही, वीडियो पसंद है लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके सेकंड पार्ट में इसके बाकी के 50 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने यह बात नोटिस करी है, आपके 50 क्वेश्चन मैंने आपको करा दी जहाँ पे आपको एंशियंट और मेडिएवल से क्वेश्चन देखने को मिले और बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चन आए हैं, बट इस बार मैच द फॉलोइंग के थ्रू क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, इसी तरीके से पहले ये क्वेश्चंस देख लो और फिर अपने आगे की तैयारियां करना अगर नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम के। चलिए ऐसी वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कितने क्वेश्चंस आप सबके करेक्ट हुए, कैसा आप लोगों का स्कोर हुआ, वो सब कुछ मुझे कमेंट करके जरूर बताना, जिस भी स्टूडेंट ने एमए हिस्ट्री दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम दिया था। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।